ससुराल सिमर का मेरे अंगने में और राजा नटवरलाल जैसे टीवी शोज में काम कर चुके एक्टर आशीष रॉय का निधन हो गया। वे लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। 24 नवंबर की सुबह अपने घर पर उन्होंने आखिरी सांस ली। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उनके स्टाफ मेंबर ने बताया, वो सुबह लगभग 3:45 के समय अचानक गिर पड़े। उन्हें किडनी की बीमारी थी और डायलिसिस भी चल रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से उनकी तबीयत में सुधार आ रहा था। कोलकाता से उनकी बहन आने वाली है, उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आशीष लंबे समय से किडनी की बीमारी से परेशान थे। इसी साल मई में उन्हें मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहां से आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें बीच में ही डिस्चार्ज करना पड़ा था। 17 मई को उन्होंने अपनी फेसबुक पर बताया था कि वे आईसीयू में भर्ती हो गए हैं और उन्हें डायलिसिस के लिए पैसा चाहिए। इसके बाद कई फिल्मी हस्तियां जैसे हंसल मेहता, अनुराग कश्यप और विजय कृष्ण आचार्य उनकी मदद के लिए आगे भी आए थे। इसके बाद 23 मई को लोगों को धन्यवाद करते हुए उन्होंने लिखा, उन सब कमाल के लोगों का शुक्रिया कहना चाहता हूं जिन्होंने मेरा मेडिकल बिल भरने में मदद की। आप जैसे लोगों की वजह से मेरी जिंदगी बची है। उनकी मृत्यु का समाचार आने के बाद निर्देशक हंसल मेहता और अश्विनी चौधरी ने भी ट्वीट कर अपना दुख जताया। ससुराल सिमर का में आशीष के को एक्टर रहे सुमीर पसरिचा ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। आशीष फिल्म, थिएटर और टीवी में काम करते रहे थे। 1997 में आई टीवी सीरीज ब्योमकेश बख्शी से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा वे एक मंझे हुए डबिंग आर्टिस्ट भी रहे हैं। उन्होंने हॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्म द डार्क नाइट में जोकर के किरदार को अपनी आवाज भी दी थी। इसके साथ ही साल 2006 में आई सुपरमैन रिटर्न्स में वे लेक्स लूथर की आवाज भी बने थे। बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।